आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और दिन शनिवार है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 10:22 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। अतः आज वैकुंठ चतुर्दशी व्रत है। इसे वैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है। आज भगवान शिव और विष्णु जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आज के दिन काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस है। आज के दिन नर्मदेश्वर शिवलिंग को तुलसी अर्पित की जाती है। आज वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर स्नान का भी महत्व है। आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह के समय भगवान शंकर की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा भी पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। असल में चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु अपना सारा कार्यभार भगवान शंकर को सौंपकर निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों के बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर का पूजन करते हैं और भगवान शंकर फिर से उन्हें सृष्टि का सारा कार्यभार सौंप देते हैं। आज विशेष रूप से काशी में बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन किया जाता है और उनकी महाआरती की जाती है। इसे काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस का नाम भी दिया गया है। आज के दिन तुलसी दल से नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन किया जाता है। नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं होता। आज के दिन इनका पूजन करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, मन में सकारात्मक विचारों का समावेश होता है और जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में शांति और प्रेम बना रहता है। इस दिन वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर भी स्नान करने की परंपरा है। तो ये थी आज वैकुंठ चतुर्दशी की चर्चा और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र के बारे में। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 10:09 तक परिधि योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। आज देर रात 3:19 तक रवियोग भी रहेगा। रवियोग के प्रभाव से आपके सारे काम बनेंगे। रवियोग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना बड़ा ही शुभ होता है। इसके अलावा आज देर रात 3:19 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। आपको बता दूं कि जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज आंवले की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रहे कि आज आप आंवले के पेड़, फल या उससे जुड़ी किसी चीज़ को नुकसान न पहुँचाएँ, न ही उसका सेवन करें। तो ये थी आज परिघ योग, रवि योग और भरणी नक्षत्र की चर्चा और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। और अब चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज शिव मंदिर जाकर पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें और भगवान को धतूरा और भांग चढ़ाएं। साथ ही कनेर का पुष्प अगर मिल जाए तो वो जरूर चढ़ाएं। अगर आप अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करना चाहते हैं तो आज एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और श्री विष्णु के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित करें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप किसी कारणवश परेशान चल रहे हैं जिसके कारण आपके काम अटक रहे हैं तो आज 11 बेलपत्र के साथ थोड़े से तिल शिव जी को अर्पित करें। साथ ही गाय को जौ के आटे से बनी रोटियां खिलाएं। और अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। साथ ही वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने संबंधों में प्रेम और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको दूध में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने किसी विशेष काम में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज बेसन को देशी घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर और केसर डालकर 21 लड्डू बनाएं। यदि घर पर लड्डू न बना सकें तो बाजार से भी ला सकते हैं। आप विष्णु मंदिर में जाकर
या घर पर ही भगवान विष्णु को एक एक करके वो लड्डू चढ़ाएं और हर बार लड्डू चढ़ाते समय श्री विष्णु का ये मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए पूरे 21 लड्डू भगवान को चढ़ाएं और कपूर से भगवान की आरती करें। अगर आप अपने जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, साथ ही पुष्प भी अर्पित करें। फिर शिव जी के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेहनत करने के बावजूद भी सफलता मिलने में परेशानी आ रही है तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद शिवलिंग की विधिवत पूजा करें, साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शिवाय शं ओम नमः, ओम शं शिवाय शं ओम नमः। अगर आप समाज में अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो आज श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लें और उसमें हल्दी की 5 गांठें, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना लें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो एक साधारण 1 रुपये का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और पूजा के बाद उस पोटली को अपने घर के मंदिर में ही रखा रहने दें। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान आदि के बाद 11 बेलपत्र लेकर उन पर चंदन से ओम लिखकर उनकी माला बनाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। और अगर आप अपने व्यापार की गति को तेज करना चाहते हैं, तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आज एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, ऊपर तक गेहूं से भरिए, कुछ दक्षिणा रखिए और गेहूं भरे बर्तन को मंदिर में दान कर दीजिए। अगर आप हर तरह के भय से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो आज आपको किसी नदी तालाब के पास जाकर 14 तेल के दीपक जलाने चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब ना हो तो आप अपने घर में ही 14 दीपक जलाएं और उनमें से एक दीपक नल के पास जरूर जलाएं। ये सारी चर्चा थी वैकुंठ चतुर्दशी, नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन, काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस और मणिकर्णिका स्नान के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।